नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कमेंट करते हैं कि भाई आप ऑनलाइन कसिनो को के बारे में बताओ, उसको क्लियर करो कि भाई उसको खेलें या नहीं खेलें, या अगर खेलें तो किन सावधानियों का इस्तेमाल करें। तो मैं उनको जब कमेंट करता हूँ तो उनके रिप्लाई आते हैं कि नहीं नहीं हम तो बड़े डिसिप्लिन वाले हैं, तो क्या अब हम खेलें कि नहीं खेलें, हम जीत सकते कि नहीं जीत सकते, हम जीता हुआ हार गए, इस तरह के बहुत सारे। तो मैं कहा ठीक है, अब मतलब टाइम आ गया है कि वापस से ऑनलाइन कसिनो के ऊपर मुझे दो चार वीडियो बनाने चाहिए और मैं पहले तो अपनी राय रखूँगा। तो सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ लोग, और मेरा एक्सपीरियंस ये मेरा नहीं होता, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग वगैरह के चक्कर में पड़ता नहीं, मैंने ऑनलाइन वगैरह भी ज़्यादा कुछ ऐसा किया नहीं, ठीक है। मेरा एक अपनी आइडियोलॉजी है, मेरा अपने ऊपर भी नियंत्रण है और मुझे मालूम है कि कितना आगे बढ़ना है जहाँ से हम वापस लौट आए, वापस लौटना मुमकिन हो, मुमकिन हो, मुमकिन बोलते ना, मुमकिन नहीं मुमकिन, कमेंट करके बताना मुमकिन बोलते हैं या मुमकिन बोलते हैं, खैर जो भी बोलते हैं, मतलब वहाँ इतना आगे बढ़ना कि जहाँ से लौटना संभव हो, ये नहीं हो कि इतना आगे बढ़ जाओगे आप ज़िंदगी में वापस नहीं लौट सकते, ठीक है, वो मुमकिन बता देना। और देखो इसमें सबसे पहला मेरा है डोंट प्ले ऑनलाइन गैम्बलिंग, डोंट प्ले ऑनलाइन कसिनो। आज की डेट में सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ खूब ऑनलाइन गैम्बलिंग का प्रचार कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, देखो वो अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, पर मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि अगर आप मुझसे मेरी राय पूछना चाहो तो जो लोग भी ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहे हैं उनको इमीडिएटली बंद कर देनी चाहिए, कुछ नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि ऑफलाइन कसिनो में 100 में 3 लोग ही जीत पाते हैं, मतलब जिनके एवरेज इनकम बनी हुई है, वो जीतने की बात नहीं करो, जीतने को तो हर आदमी एक एक दो दो बार दस दस बार जीतता है, जिन्होंने अपना कसिनो को करियर बनाया है और इनकम बनाई है वो 100 में 3 लोग होते हैं, पर ऑनलाइन के अंदर वो 1000 में 3 लोग होते हैं। ये बात आप ध्यान रख लेना, जितने मर्जी डिसिप्लिन का आप डंका बजा लो, 10 दिन जीतोगे, 20 दिन जीतोगे, 1 दिन में सब साफ। ऑनलाइन गैम्बलिंग नहीं खेलनी है, और क्यों नहीं खेलनी है ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और अगर कोई खेल ही रहा है, फंसा ही हुआ है, तो किन सावधानियों का उसको इस्तेमाल करना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी मेरा सिंपल स्टेटमेंट है कि आपको क्या, पहली बात तो गैम्बलिंग में नया आदमी तो सोचे ही ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, जो फंसे हुए हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और ऑनलाइन के लिए मैं सबको बोलता हूँ इमीडिएटली बंद कर दो, क्योंकि मैं 100 में 3 को तो शायद तैयार कर दूँ, 1000 में 3 को मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए मैं क्यों इतना स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो, बात नहीं रूलेट की हो, ताश की हो, या ये रम्मी जंगली रम्मी, ये कौन सी गेमिंग ऐप, लूडो खेलो, ये खेलो वो खेलो, देखो जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है उसे गैम्बलिंग कहते हैं। गैम्बलिंग जब हम विन करते तो हमारे दिमाग से डोपामिन रिलीज़ होता है, डोपामिन रिलीज़ होने पर हमें बहुत अच्छा लगता है, जिसे केमिकल लोचा बोलते ना कि केमिकल रिलीज़ होता है, बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छा लगना बार बार होता है तो हमें उसके एडिक्शन हो जाता है। देखो ऑफलाइन कसिनो में क्या होता है कि आप अगर वहाँ से निकले और अपने घर गए, होटल गए, कहीं भी गए, तो आप जितने मर्जी 30 मार का हो, बहुत रेयर चांस होता है कि आप वापस जाओ, फिर आप अगले दिन ही जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कसिनो के अंदर भी उसी का पैकेज लेके रूम लेके नहीं रहना। अब आती है बात ऑनलाइन में, ऑनलाइन एक ऐसा है कि आप रात को सो रहे हो, रात को उठोगे बाथरूम करने के लिए तो भी मोबाइल में नेट ऑन करोगे और देखोगे क्या चल रहा है, और आपके हिसाब से होगा तो आप खेलना शुरू कर दोगे, सारा डिसिप्लिन धरा रह जाएगा क्योंकि आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाओगे। फिर ऑनलाइन गैम्बलिंग में जो कंफर्टेबल जोन मिलता है ना, वो उसको आप बोलते हो ना कि कई लोगों ने बोला कि नहीं हम तो बड़े संयम वाले, हम बड़े नियंत्रण वाले हैं, अरे संयम और नियंत्रण वाले होते तो पहली बात तो ये समझ लो कि गैम्बलिंग में आता ही नहीं, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। आपका सवाल ही बता रहा है कि आप ऑनलाइन के प्रति ऑनलाइन और ऑफलाइन के प्रति जो आपका सवाल है वही बता रहा है कि आपका नियंत्रण कितना है, इसी से समझ में आ जाता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप कहीं देखो, अब एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान से समझना, ऑनलाइन सिगरेट की तरह है और ऑफलाइन शराब की तरह है, ऑनलाइन सिगरेट की तरह है, ऑफलाइन शराब की तरह है। आप पॉइंट ये कि हमेशा ध्यान रखना, देखो इसी को आप डिकोड कर लो, ऑनलाइन लाइक ए सिगरेट, ऑफलाइन लाइक ए विस्की। अब कैसे, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आप थोड़ा सा थक गए, रुक गए, पेड़ के नीचे छांव में खड़े हो गए, आप सिगरेट निकालोगे, जला लोगे, कहीं पे भी जा रहे हो, बाइक पे, स्कूटर पे, गाड़ी पे, पान का खोखा देखा, रुक गए और सिगरेट पी ली, किसी का इंतजार कर रहे हो, वो 10 मिनट लेट हो गया, आपने सिगरेट जला ली, ठीक है, ज़रा सा कोई टेंशन हुआ सिगरेट जला ली, ज़रा सा कोई खुशी हुई सिगरेट जला ली, बातें कर रहे हैं, बातें करते करते एकदम याद आ गया, अरे सिगरेट पीनी है ना, तो कहीं मतलब सिगरेट मतलब कभी भी कहीं भी ईजिली कम्फर्टेबल आप पी सकते हो, और इसी वजह से हम सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, इसी वजह से जानकारी ये कहते हैं कि सिगरेट जो है शराब से ज़्यादा नुकसान देती है, ठीक है। ऑफलाइन शराब की तरह है,
क्योंकि अगर आप किसी दोस्त का वेट कर रहे हो तो आप शराब नहीं पीने बैठ जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप बस का वेट कर रहे हो बस स्टॉप पे, तो आप शराब नहीं पीने बैठ जाओगे, ठीक है ना। आप राह चलते थोड़ा सा थक गए, पेड़ के नीचे बैठे हो, आप पैग नहीं लगाने लग जाओगे। तो ये फ़र्क होता है, क्योंकि शराब पीने के लिए आपको एक पर्टिकुलर माहौल चाहिए, एक सिक्योर जगह चाहिए, एक पर्दा चाहिए कि सबके सामने ओपनली, सबके सामने आप सिगरेट तो पी सकते हो सड़क पर चलते हुए, हालांकि पब्लिक प्लेस पे पहने, पर नॉर्मली आदमी चलते हुए सिगरेट पी लेता है, पर आप शराब नहीं पी सकते। तो ऐसे ही है कि इसीलिए सिगरेट ज़्यादा पी जाती है और वो ख़तरनाक है। सेम चीज़ ऑनलाइन में होता है, ऑनलाइन गैमलिंग इसलिए ख़तरनाक है कि वो कंफर्टेबल है, कभी भी लेटरिन में जा रहे हो तो फ़ोन लेके बैठ गए, खाना खा रहे हो तो फ़ोन लेके बैठ गए, रात को उठे तो फ़ोन लेके बैठ गए, हर समय गैमलिंग गैमलिंग गैमलिंग। एक दिन में 2 अटैम्प्ट करने चाहिए मैक्सिमम, एक करो तो बहुत ही बढ़िया, पर वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अटैम्प्ट तो आप 2 करोगे पर 6 बार आप चेक करोगे, और चेक करने के चक्कर में आप कब आपके अटैम्प्ट बढ़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार भी अटैम्प्ट अगर माइनस में चले गया, फिर आप खुंदक में दोबारा करोगे कि यार अच्छा वाला जीत के बैठा था, चेक करने के नाम पे हार के और बैठ गया, फिर आप दोबारा खेलोगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। पर ऑफलाइन में क्या है, रिश्ता खत्म हो जाता है जैसे ही आप कसिनो से निकले और 2 किलोमीटर दूर गए अपने होटल या घर की तरफ, आपका कनेक्शन खत्म। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन गैमलिंग जो है वो खतरनाक है, क्योंकि उसमें कंफर्टेबल जोन है, उसमें आप जितने मर्जी नियम बना लो, नियम आप खेलने का ही तो बनाओगे ना कि मैं एक बार खेलूंगा या 2 बार खेलूंगा प्लस हुआ मैंने, चेक करने का तो नियम नहीं बनाओगे आप। चेक करने के नाम पर ही आप देखोगे अरे ये तो मेरी बैट आ रही है, एक बार छोड़ोगे 2 बार छोड़ोगे आप फाइनली खेलोगे, जीत गए तो और अगली बार के लिए रेफरेंस पक्का हो जाएगा, हार गए तो फ्रस्ट्रेशन में रिकवरी के नाम पे बैठोगे। कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन में कि आपने सुबह गेम खेला और आप जीत गए और आज आपका दिन बढ़िया गया, आज मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब पूरे दिन क्या करोगे, पूरे दिन क्या करोगे, आपने तो 2 घंटे में 5,000, 10,000, 20,000 जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका बजट है, वो आपने कमा लिया। तो आप पूरे दिन में चेक करोगे, फिर चेक करने के नाम पे आपको फिर से बढ़िया बैट आ रही है, इसके बाद ये आना चाहिए, उसके बाद वो आना चाहिए, आप फिर खेलोगे और उसमें 0 हो गए तो अपना गरीबान पकड़ोगे, अपने बाल नोचोगे, और जीत गए तो वो अगली बार के लिए ऐसा होगा। तो यही ऑनलाइन का माइनस पॉइंट है, इसलिए सारे ऑनलाइन ऐप अपने फ़ोनों से डिलीट करो, ऑनलाइन मत खेलो। बहुत ज़्यादा जुआ खेलने की हुड़क मच रही है, नशा चढ़ रहा है, तो गोवा आओ, काठमांडू जाओ, यहाँ पे आकर के खेलो, 2-4-10 दिन में अपनी भड़ास निकालो, अपना पैसा बर्बाद करो और फिर जाके शांत होकर बैठ जाओ। ऑनलाइन मत खेलना, ऑनलाइन में नाश पिट जाएगा, बार बार बता रहा हूँ, ये है मेरी अपनी राय ऑनलाइन के प्रति। ऑफलाइन कसिनो में 1,000 में 100 में 3 जीतते हैं, ऑनलाइन में 1,000 में 3 जीतते हैं, आप ये बात समझ लो। ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू, शब्बा खैर।